होगा पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 1s2 और 2s2। बोलो समझ में नहीं, एक एक स्टेप पे तुम बच्चे जिसको समझ में नहीं आया यस सर बोलो, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले ऑर्बिट में बच्चों ध्यान देना, पहले ऑर्बिट में क्या हो गया कि दो इलेक्ट्रॉन भर गया, दूसरे ऑर्बिट के पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन भर गया, दो दो चार हो गया, चार प्रोटॉन है, चार इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना, नहीं ना, नो सर। ठीक है ठीक है। पांचवें, पांचवा की बात करें, पांचवें में क्या है बच्चे, 1s2 पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया, दूसरे ऑर्बिट की बात करें, दूसरे ऑर्बिट के पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन भर चुका है। तुमको पता है कि पहले सेल में, दूसरे ऑर्बिट के पहले सेल में एस में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा, एस में दो ही भरा है, ठीक है। तो ये तो भरा चुका है, अब हमको पी में जंप करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले में दो भर दिए, दूसरे में दो भर दिए, तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो 2p1 कितना हो गया, चार एक पांच इलेक्ट्रॉन हो गया, पांच प्रोटॉन भी है। आगे बढ़ते हैं, 1s2 2s2 2p2 तीसरे, अब कार्बन में छह इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो चार इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, दो इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, छह इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाए, ठीक है, 1s2 2s2 2p3 ठीक है। ये हो गया किसका, नाइट्रोजन का, सात प्रोटॉन सात इलेक्ट्रॉन, चार इसमें हो गया और एक यहाँ पे बढ़ा दिए, तीन हो गया, तीन है यहाँ पे, 1s2 2s2 2p4 बोलो कोई दिक्कत, नो सर, 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6 ये ऑर्बिट भर गया, सेकंड ऑर्बिट भर गया। और हम नियम भी फॉलो किए हैं, ऐसा नहीं है कि नियम को बंक मार दिया। देखो पहला ऑर्बिट को भरना था, 1s को हमने भर दिया है सब में, सेकंड पहले स्टार्ट करना था 2s से, मैंने 2s को पहले भरा, उसके बाद 2p को भरना था, मैंने 2p को भी कंप्लीट भर दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुआ है तो बोलो, अब दिक्कत हुआ तो एक बार और समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे हम लोग। हमने बता दिया कि दो, ये हीलियम, हीलियम नोबेल एलिमेंट है, हीलियम नोबेल एलिमेंट है, तो ये तो रिपीट हो रहा है, ये बीसी तक ना रहेगा, नहीं बच्चे ये बहुत आगे तक जाएगा, 118 तक जाएगा, लेकिन तुम लोग को 20 से 30 तक सफिशिएंट है, जाएगा 20 तक, ये इसके बाद 3 किसकी बात कर रहे हो, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्बिट का, हाँ सर, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो टोटल एलिमेंट जितने भी प्रेजेंट है सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर बच्चे अभी हम लोग बीसी तक डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से, अब थोड़ा सा हम जो बताना चाह रहे हैं उसको सुनो। हीलियम नोबेल एलिमेंट, और तुम देख रहे हो कि 1s2 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 रिपीट हो रहा है, तो 1s2 के जगह पे हम लोग HE से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं शॉर्ट के लिए, ठीक है, आसानी के लिए यहाँ पे हमने HE लिख दिया, जहां पे तुमको HE दिखेगा, HE का मतलब 1s2 समझना, ठीक है, HE का मतलब 1s2, ठीक है, पहला ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट का सबसे भरा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, HE 2s2, ठीक है, फिर 1s2 के जगह पे हम लोग HE डालते जाएंगे, ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा तुमको थोड़ी देर में समझना है, ठीक है, HE डाल देंगे, डाल देंगे, इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो तुम लोग, जैसे ही हम कंप्लीट कर देंगे स्क्रीन शॉट ले लो, सर ब्लर आ रहा पिक्चर, सबको ब्लर आ रहा है, यस सर, नो सर, नो सर, ठीक है सर, हम आपको भेज दिए, ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है, हाँ ध्यान दो बच्चे, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये सबसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर तुम सर्च करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन तुमको इसी फॉर्म में दिखाई देगा आंसर, इसी फॉर्म में आंसर दिखाई देगा, तुम कोई भी कार्बन सर्च करोगे तुमको इसी फॉर्म में दिखाई देगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वहां से तुमको समझ में आने लगेगा, ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट ले लो सारे बच्चे, हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, सर ब्लर आ रहा है, सर पूरा ब्लर आ रहा, अच्छा ब्लर आ रहा है, एक मिनट, ये
नहीं सर इधर ठीक है, तैयार है, क्लियर है सर। बच्चे नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, सुनना ध्यान से, ध्यान देना, यहाँ तक सीख गए हो सब। अब हम सोडियम से बात करेंगे, सोडियम से स्टार्ट करेंगे, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। टोटल बात जान लेना तुम कि हम दोबारा सिखाने वाले हैं, बस हम समझो कि एक तरीके से ट्रेलर दिखा रहे हैं, मूवी का ट्रेलर होता है ना, जैसे हाल ही में किसी चीज का ट्रेलर आया है कि नहीं, वही मूवी का समझो कि ट्रेलर है। हाँ, तो वही ट्रेलर है अभी, तो हम घबराना नहीं है, टोटल बात दोबारा सिखाएंगे क्लास में। क्लास में बहुत मजा आता, लेकिन क्लास अनलकी हो तुम लोग बहुत ज्यादा कि मेरा क्लास नहीं कर पा रहे। सोडियम, सोडियम का सिंबल हो जाता है Na, ठीक है, ऑर्बिट बना लेते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, 1s, 2s, 2p, 3s, 3s, 3p, 3d। ध्यान देना, पहले सब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो 1s2 पहला ऑर्बिट भरा हुआ है, फिर बच्चे 2s2 दूसरा ऑर्बिट का पहला सेल भरा हुआ है, दूसरा ऑर्बिट का दूसरा सेल भी भरा हुआ है, कितना हुआ, 6, 4, 10 हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या होगा, अब हमको देखना ध्यान से, यहाँ पे आओ, 1s भर दिए, 2s भर दिए, 2p और अब 3s भरेंगे, 3s1, तीसरा ऑर्बिट का पहला सेल भरना शुरू करें, ठीक है, यहां से देखो। फिर बच्चे 12 हो जाता है मेरा, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ध्यान देना बच्चों एकदम बढ़िया से, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2। अब ये भी भर गया, s में दो इलेक्ट्रॉन भरता है, दो इलेक्ट्रॉन भर चुका है, अब s 3s के बाद किस में जाएंगे, 3p में जाएंगे, 3p में जाएंगे, तो अब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ठीक है। इसके बाद 1s2, 2s2, सर पूछता है नहीं समझ आया, कौन वाला, ये वाला, 3s2 के बाद, 3s2 के बाद, 3s2 के बाद, देखना बच्चे, 3s2 के बाद पहले 1s भर दिया, ये भर दिया मैंने, फिर इसमें मैंने भर दिया, फिर इसमें भर दिया, अब ये पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट कंप्लीटली भर चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग तीसरे ऑर्बिट में जंप करेंगे, यहां से भी देख लो नियम, सबसे पहले 1s भरना है, भर दिया, ठीक है, उसके बाद 2s भरना है, भर दिया, 2p भरना है, भर दिया, फिर बच्चे इधर से गिरेंगे नीचे तो देखेंगे तो हमको क्या भरना है, 3s भर चुके हैं, इसके बाद 3p भरना है, ऐसे भी इसके बाद तुमको p ही दिख रहा है, तो 3p भरना शुरू कर दे, अभी तो मैंने बताया बच्चे 2p में हम लोग कितना, s में हम लोग 2 भर सकते हैं, p में हम लोग 6 भर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भरना, आगे बढ़ते हैं, तो s3 s2, देखा तुमने यहाँ पे p से ज्यादा, 6 से ज्यादा तो भरे नहीं है, तो बच्चा अभी पूछा, यहाँ पे देख लो बच्चे, क्लास में थोड़ा सा हमसे अटेंटिव रहो, और थोड़ा सा अटेंटिव, ध्यान थोड़ा सा और केंद्रित करो बच्चे, एस में हम, तुम देख रहे हो, एस में हम 2 से ज्यादा नहीं भर रहे, एस में हम 2 से ज्यादा नहीं भर रहे, पी में हम 6 से ज्यादा नहीं भर, ठीक है, फिर देखो एस आया है तो एस में 2 से ज्यादा नहीं भर रहे, अब पी आएगा तो इसमें फिर 6 से ज्यादा नहीं भरेंगे, ध्यान देना, 3s2 एकदम ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, 1s2 पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, मैंने भर दिया, दूसरा ऑर्बिट में 2 सबसेल्स होते हैं, 2s और 2p, इसमें बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दोनों मिला के 8 हो गया, बोलो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन भर गया, तीसरे ऑर्बिट की बात करें, 3s, 3p, 3d, बच्चे s में 2 भरते हैं, p में बच्चों हम लोग 6 भरते हैं, ठीक है, इसमें 8 में हम लोग बच्चे, 3p में 8 होगा, हाँ,
एस में हम लोग टू भरते हैं, ठीक है, एस में दो भरते हैं ना, इसमें हम लोग छह भरते हैं, आठ हो गया। डी में हम लोग इसमें दस ना होगा सर। एस में हम लोग दो भरते हैं, पी में हम लोग छह भरते हैं, डी में दस भरते हैं। तो बच्चों देखो ध्यान से कि इस ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, और सर ने यही बताया था शुरू में कि पहले ऑर्बिट में दो, दूसरे में आठ, तीसरे में 18। यस सर, यही बताया था। ठीक है, ध्यान देना बेटा, स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो, मिटा रहे। अब चलो वापस आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, वैसे ही हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। 3P2 भरा गया यहाँ पे मेरे पास, फिर 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, ठीक है, हो गया कितना मेरे पास 10, ये कितना 15 हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन, जल्दी जल्दी भर देते हैं, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, फिर 1s2, 2s2, सर 3 होगा, 2p6, वेरी गुड, ध्यान देते रहो, 3p5, फिर बच्चे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। यहां पे आके हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे आके, यहां से थोड़ा सा हम कुछ और सिखाएंगे, यहां तक बोलो समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बोलो। नो सर। नो, चलो ध्यान दे, अब ध्यान देना, अब स्टैंडर्ड, अभी हम लोग स्टैंडर्ड बच्चे का बात कर रहे थे, तो 10 पे लेते हैं नियोन। नियोन का क्या था, 1s2, 2s2, 2p6। ये एक नोबेल एलिमेंट है, और नोबेल एलिमेंट किसी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करता है, और ये जो वैलेंसी है नोबेल एलिमेंट का, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है सब में। सभी को हटा के हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको हटा के हम लोग एनी लिख सकते हैं, जैसे एच ई लिख रहे थे, एच एनी लिख सकते हैं जैसे एच ई लिख रहे थे। तो देखो लिखने से बच गए कि नहीं बच गए, इतना लिखने से हम बच गए। तो एनी, एनी का मतलब क्या हुआ, एनी का मतलब, एनी का मतलब 1s2, 2s2, 2p6, एनी का मतलब 1s2, 2s2, 2p6, बोलो। तो इतना लिखने से हम लोग बच जाएंगे जब हम लोग एनी लिखेंगे। इसी तरीके से आगे और एलिमेंट्स का नाम, अगर नोवेल एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे तो और कॉन्फ़िगरेशन लिखने से हम लोग बचेंगे। सर, एमजी को भी कर सकते हैं? नहीं, एमजी को नहीं कर सकते, नोबेल को कर सकते हैं, बस नोबेल को, सिर्फ नोबेल एलिमेंट्स को ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इसका याद रखिएगा, नोबेल एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे रिपीट कर सकते हैं। अब बच्चे अगर तुम सर्च करोगे नेट पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम Na, तो तुमको इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। और बच्चे अब तुम इतना समझ गया है, इतना तुम समझ गया है कि एनी देख के तुम समझ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है। तो यहां तक समझने में किसी कोई दिक्कत हुआ है तो बोलो। नो सर। एक बार नेट पे बैठ के सर्च करना इंटरनेट पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, फिर देखना ये लिखा हुआ होगा। तो मतलब अब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने लगे हो। फिर बच्चों इसको भी हम मिटाएंगे, इसको भी हम मिटाएंगे, ध्यान देना, और यहाँ पे एनी लिख देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आई होप ले चुके होगे तुम लोग, हम मिटा रहे हैं क्योंकि एनी हो जाएगा। फिर बच्चे देखना एनी हो जाएगा, फिर बच्चे एनी हो जाएगा। नहीं लिए थे सर इसको, कोई ले लिया होगा तो हमको भेज देना, बच्चे सबको ग्रुप में भेज देंगे, एनी हो जाएगा। ये सबसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हम बता दिए, ये हर जगह यूज होगा, ये साइंस, अगर कहीं पे साइंस लैब में जाओगे तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की, ये सब इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस हुआ कि कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। अब हम लोग बात करेंगे आर्गन का, बात करनी है, ध्यान देना बच्चे, आर्गन को, आर्गन एक नोबेल एलिमेंट है, ये भी किसी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, लेकिन 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 यहाँ पे नियम, जो कॉमन बच्चा होगा वो क्या करेगा, 3d1 भर देगा, वो समझेगा 3s3p3d1,
ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाता है, ठीक है, ये कंप्लीट गलत हो जाता है। ये बच्चे जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ये 3D में नहीं भराता है, 3D से पहले ये भरा जाता है 4S में। देखो यहाँ पे चौथा ऑर्बिट बना रहे, 1, 2, 3, 4, पहला ऑर्बिट हो जाएगा बच्चे 4S, दूसरा 4P, तीसरा 4D और चौथा हो जाएगा 4F। तो डी जो है ना, डी ऑर्बिटल का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को इसमें जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करता है ना, यहाँ ना जाके चौथे ऑर्बिट में जंप कर जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा गया, यहाँ पे भरा गया, अगला इलेक्ट्रॉन 4s में पहले भरा है, अब 4s2 जब हो जाएगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, जैसे कि ऑफबाउ प्रिंसिपल भी यही कह रहा कि 3p के बाद 4s2 भरेंगे, उसके बाद 3d भरेंगे,